बोल रही हैं, जो भी ये भाजपा भाजपा कर रही है ना और गाली गलौज कर रही हैं, और जितने भी कार्यकर्ता भाजपा में हैं जो उनके साथ ये गाली गलौज कर रही हैं, उनकी लिस्ट बनाई हुई है, जब हमारी सरकार बनेगी इंटरेस्ट सहित वापस देंगे। अब देख लो, और तो हम नहीं दे देंगे फिर बीजेपी वाले, हम कम है उनते, हमने नहीं वो तो हम देते नहीं, अगर में देंगे तो हम भी देंगे। अगर सरकार उनकी आ गई फिर कैसे दोगे? सरकार उनकी आती नहीं है, सरकार नहीं, तू जीतते पीछे भी आजिए एक बार बतावे तो जीतते पीछे मंदिर की तरफ कसम खा ले, मारे कहूंगी मैं आज बाद में। गठबंधन काम आ जाए क्या पता? नहीं, गठबंधन में कोई काम नहीं आता, काम नहीं आएगा ना, ना उन्हें नहीं दिखता, गठबंधन वालों को नहीं दिखता, उन्हें भी बुरके उड़ने पड़ेंगे, बुरके उड़ने पड़ेंगे। लोग टोपी में होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। इस वक्त सुरेश राणा जी के गढ़ में मौजूद हूँ, थाना भवन है ये, और यहाँ कौन सा गाँव है जी? ख्यावड़ी गाँव में मौजूद हूँ, और बहुत लंबे टाइम से जो किसानों की समस्या सामने आ रही थी, गन्ने की पेमेंट, वो गन्ने की पेमेंट की समस्या का भी निपटारा हो चुका है। कल बोला जा रहा है कि कल सारा भुगतान हो चुका है गन्ने का। बाकी अभी हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या समस्याएं रही है इस सरकार में, या सरकार से खुश है, और आने वाले टाइम में अभी किसको वोट करने वाले, किसको दोबारा फिर से सत्ता में लाने वाले, इनसे बात कर लेते हैं सीधा। क्या नाम है जी आपका? अंकित। अंकित नाम है? हाँ जी। कैसी रही सरकार? बढ़िया जी। बढ़िया रही? हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? नीसू राणा। नीसू राणा को कैसी लगी सरकार? सरकार बहुत अच्छी है मैडम, बहुत अच्छा काम किया, और रही गन्ना पेमेंट की, वो भी पिछला सारा पेमेंट कर दिया और अगला 10 दिन का पेमेंट कर दिया, बहुत अच्छी सरकार। अगला भी हो गया 10 दिन का? हाँ 10 दिन का हो गया मैडम, और पिछला भी हो गया, पिछला पूरा फाइनल कर दिया, और बहुत बढ़िया लहर है भाजपा की, भाजपा की लहर है जी मैडम, बहुत बढ़िया। क्या नाम है जी आपका? मनोज राणा जी। मनोज राणा नाम है आपका। आपको कैसी लगी सरकार? बढ़िया सरकार लगी जी। कुछ समस्याएं रही है? ना कोई समस्या नहीं, सब सुधार होगा जी, हाँ जी, जो समस्या सब खत्म होगी, समस्याएं खत्म हो गई। हाँ जी, कोई समस्या ही नहीं रही? ना जी, हमें तो कुछ लगती नहीं समस्या है, बिल्कुल बढ़िया रहा। बढ़िया जी बहुत। ऐसा क्या? हाँ जी, सबसे बढ़िया तो माहौल बहुत बढ़िया है जी, माहौल बढ़िया है, सब गुंडागर्दी सब खत्म कर दी, बहुत बढ़िया माहौल है, हर आदमी खुश है, कहीं रात बिरात को दिन में कहीं फिरो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पहले दिक्कत थी? पहले सरकारों में दिक्कत थी, बहुत लूटपाट थी, गुंडागर्दी थी, अब कोई नहीं है, गुंडागर्दी तो खत्म हो गई। हाँ जी सर, महंगाई भी तो देखिए, महंगाई बढ़ेगी जब पब्लिक में ये राशन बटेगा वो होगा, महंगाई तो बढ़ेगी, ये तो हर सरकार में बढ़े, इसमें थोड़ा ही है, हर सरकार में बढ़े, हर सरकार में बढ़ती है। हाँ जी हाँ, इसमें ज्यादा बढ़ गई? नहीं ज्यादा नहीं बढ़ रही जी। उधर अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं बार बार कुछ नहीं, उनकी नहीं बनती सरकार, योगी जी की सरकार आएगी दोबारा, बोल रहे हैं हम सत्ता में आएंगे। अजी इनको कैसे क्या हो, ये पब्लिक देख लो सब भाजपा के हैं, यहाँ सभी भाजपा के हैं, आप किसी भी इंटरव्यू ले लो, सब भाजपा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। कोई नहीं। आपका क्या नाम है जी? अरुण जी। अंदर बैठे अरुण। अरुण नाम है आपका। आपको कैसी लगी सरकार? बढ़िया है जी, काफी काफी बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया क्यों है? सब काम अच्छे हो रहे हैं, बढ़िया तो इसलिए है। अच्छा क्या हो गया और बुरा ही क्या होया? अच्छा क्या हुआ? अच्छा तो सारा ही कुछ अच्छा है, सारी चीज तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हाँ जी सारा अच्छा जी, बहुत। अखिलेश यादव बोल रहे हैं योगी जी ने उत्तर प्रदेश का नाश कर दिया, कुछ काम नहीं किया। अरे झूठ बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज है, हर चीज से बढ़िया है बिल्कुल। पेमेंट की समस्या थी, वो अभी समस्या हल कर दी, सारा पेमेंट आ चुका। थी ना परेशानी? पहले थी थोड़ी सी, वो अभी कर दी बिल्कुल। अच्छा, अगर गन्ने की पेमेंट नहीं होती, कल हो गया वो तो भुगतान, अगर कल भी भुगतान नहीं होता फिर क्या करते आप? नहीं होगा, क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा? अगर कल भी नहीं होता? नहीं हो गया जी, ना होने का क्या मतलब है? अरे बात तो बताओ, 10-5 दिन का तो आगे पीछे चल ही रहा, उसे भी निभाई लेते 10-5 दिन को, कहाँ पर है? 10 दिन बाद का भी कर दिया पहले, नया आ गया 10 दिन, नया आ चुका, आ चुका। हाँ जी वही तो पूछ रही हूँ, एक जो किसानों की समस्या निकल कर आ रही थी बार बार, किसान भी परेशान थे इस समस्या से, और काफी वोट छिटक रहा था इस वजह। अजी नहीं, कल समस्या कुछ नहीं है, तो एक दो किसान जो परेशान है, कोई एक आधा कर दे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट बढ़िया चल रहा है जी बिल्कुल एकदम। क्या नाम है जी आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार नाम है। आपको कैसी लगी सरकार? सरकार मुझे बहुत बढ़िया लगी। आपको बढ़िया? हाँ बढ़िया लगी। क्या बढ़िया लगा? मुझे हर चीज बढ़िया लगी, एक तो बदमाशी खत्म, एक जो है जो गुंडागर्दी जो और राजनीति आ रही है, जो गाँव घूमा ये डंगर खुल रहे थे, ये भी बहुत वो लगी, ये मुझे योगी की सरकार बहुत बढ़िया। बिरादरी से
क्या है, कौन सी बरादरी? कश्यप समाज। कश्यप समाज, सब कश्यप समाज है। ये सब कश्यप समाज है, कुछ राजपूत भी है, कुछ सरी भी राज दिया, राजपूत भी है, हरिजन भी है और कश्यप भी है, सब भी राज। हाँ, सभी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से क्या दिख रहा है बीजेपी में? बीजेपी में जो हम हर चीज बढ़िया लगी, सुविधा रात के 12 बजे 1 बजे किसी भी टाइम आ जाओ, रात को कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टाइम आ जाओ, रात को किसी भी टाइम। पहले डर लगता था? पहले तो जो है वहाँ से 6 बजते सर जो है लग के चालू हो जाता और पैसे पोसे लोग यहाँ बैठो, राजनीति हो गई थी, अब वो राजनीति खत्म होगी, बदमाशी सारी खत्म होगी। तो योगी यादव भी देने वाले हैं सुविधा, बोल रहे 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। कोई नहीं उसका वो नहीं है, हमारे सरकार ही बढ़िया लगी योगी के, योगी की बढ़िया, योगी की बढ़िया लगी हमारी सरकार। दोबारा आएगी बिजली नहीं आने की फ्री में क्या आना, जरूर सब चीज आओगी। योगी की सरकार, मोदी की हर फेरी आएगी। क्या नाम है जी आपका? राजीव शर्मा, डॉक्टर। बताओ आपको कैसी लगी सरकार? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपको भी बढ़िया लगी? बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत अच्छी सरकार है। सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा, जब आदमी सुरक्षित है तो महंगाई भी झिल जाएगी और सब चीज झिल जाएगी, लेकिन जब आदमी सुरक्षित नहीं तो फिर क्या करेगा बताओ? सुरक्षा मिल रही है, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। पहली सरकार में सुरक्षा नहीं थी। नहीं, ये तो गुंडा राज था खुलेआम। 6 बजे यहाँ अगर यहाँ को आदमी निकल गया पटरी पर तो 6 बजे लूट लिया उसको, गुंडागर्दी ज्यादा थी। बहन बेटियों की बिल्कुल सुरक्षा नहीं थी, अब बहन बेटी इतनी सुरक्षित है, अकेली जाती है, शॉपिंग करती है बाजार में के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं। बहुत अच्छी सरकार। क्या नाम है अंकल जी? मैडम, क्या नाम आपका? नाम धीर सिंह है। रामधीर सिंह? धीर सिंह नाम है। हाँ जी, कैसी लगी आपको सरकार? सरकार काम हुए हैं सरकार में? सरकार बहुत बढ़िया काम हो रहा और बहुत अच्छी सरकार है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बार बार भाजपा सरकार ही आए। बार बार चाहते हैं? हाँ जी। भाजपा को ही अखिलेश यादव को नहीं चाहते? खुले कुआडो स्वाधीन है, गुंडागर्दी कुछ नहीं है, बहुत अच्छी सरकार है। अखिलेश यादव भी है और दूसरी तरफ उसको भी देख लो, भाजपा सरकार जो है इससे बढ़िया सरकार नहीं मानता, बहुत अच्छी सरकार है। अखिलेश यादव नहीं लगे अखिलेश यादव? इससे ज्यादा मैं कोई नहीं जानता। अच्छा, चलिए कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मैडम अंदर आ जाओ ना। भाई साहब बहुत देर तक भाग गए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जगवीर है जी। क्या नाम है? जगवीर। जगवीर नाम है आपका जी। सरकार बढ़िया लगी है नहीं लगी? सरकार ठीक है जी। काम हुए हैं? हाँ काम भी हुए। क्या घबरा सी के बोल रही है? घबराना तो कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ? हाँ नहीं काम हुआ। काम हुआ? हाँ बढ़िया काम हुआ। बढ़िया काम भाई, बदमाशी खत्म होगी। हाँ और सबसे बड़ी बात तो यह है जी। हाँ बस मेन तो यही है, मुख्य बात है भाई बदमाशी खत्म होगी, सुरक्षा है। महंगाई से परेशान है? महंगाई तो है, खैर महंगाई है इसलिए डर के बोल रहे हैं। हाँ इसीलिए डर के बोल रहे हैं कि थोड़ी सी समस्याएं भी हैं। अच्छा वोट किसको करने वाले हैं? वोट तो बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को ही करोगे? क्यों बीजेपी को क्यों करोगे? बस सुरक्षा है ठीक है, सुरक्षा की वजह से बीजेपी को करोगे? जी, जी, हाँ जी। डर लगता है पहली सरकार? डर तो नहीं लगता, पहले में डर लगा था। हाँ जैसा अखिलेश तो बोल रही हूँ, अगर ये होगा ना डर की, अगर पहले वाली सरकार आ जाएगी तो फिर कभी दोबारा ऐसा हो जाए इसलिए डर लगता है। जी जी। अखिलेश यादव की टाइम में क्या समस्याएं थी? समस्याएं तो बस यही थी, ये बदमाशी हुई है, मतलब कवाल कांड हुआ, मतलब एक पक्ष लेके खड़ा हो जाएंगे। एक पक्ष को यानी कि मुस्लिम पक्ष के ज्यादा 6 बजे यहाँ पर बैठा लेकर किसी को भी मुस्लिम पक्ष को लेकर मतलब मुस्लिम पक्ष का ज्यादा लिया ना उन्होंने। हाँ तो वो समस्या है, वो समस्या थी। जी जी। अब कैसी है? अब ठीक है, तो सबका कर रहे हैं जो विकास हो रहा, सुरक्षा हो रही, सबके लिए बहुत अच्छी। वो पैसे दे रही, खाना दे रही और चोरी डकैती नहीं है, और बताओ क्या चाहिए? पैसे दे रही? हाँ पैसे भी तो दे रही, करीब ये सबको 500 रुपए मिले थे पहले, फिर 1000-1000 मिले, फिर 3000-3000 डाल दिए। गरीब लोगों को तो मजा आ रहा, ये सारे गरीब लोग खड़े इंगे तिंगे जितने खड़े मजे ले रहे हैं, तो मजे ले तड़के रहे, तो साथ आ भी रहे हैं। क्या इनके भी आ रहे हैं? सबका आ रहे, आपके भी आ, कहीं मेरे तो 6000 आए, 6000 आ गए, 3000 घर वाली के, 3 मेरे। अच्छा। मजा ले रहे जी योगी सरकार में, टेंशन न लो। काम भी करते हैं? हाँ काम सब करे, ड्राइवरी परिवरी का सारा काम करे, पैसे आ रहा, मतलब चोरी डकैती नहीं, खा रहे पी रहे और मजे ले रहे।
अच्छा बिल्कुल जी बन के। क्या नाम है जी आपका? मुनेश। मुनेश नाम है जी। कार कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी। बढ़िया लगी। हाँ जी। आप सभी को ही बढ़िया लग रही है जी। कोई है भी यहाँ पे बढ़िया नहीं लगी जिसको? किसी को बुरी नहीं लगनेगी इस गांव में, तो किसी को बुरी नहीं लगनेगी इस गांव में, तो एक भी नहीं कहनेगा बुरी है, एक भी नहीं कहेगा ना। पूरा गांव है बीजेपी। कितनी जनसंख्या है गांव की? 1500। 1500 एक तरफा बीजेपी? हाँ एक तरफा बीजेपी। सभी को बीजेपी। यहाँ से चोरी डकैती सारी खत्म हुई कि खेत में ट्वेल चलाने जाते हैं वहाँ मोटर नहीं मिली थी। हाँ। हमें सारी भाई मिलने लगी। हाँ भाई मिलते मोटर। हाँ सारे भाई मिले। हाँ और पहले जहाँ थे मोटर चलान वहाँ मोटर नहीं पा पाती बहन हुई आ जाते। बताओ और क्या चाह यादव है बोल रहे हैं गठबंधन काम आएगा। क्या जी बोल रहे हैं गठबंधन काम आएगा? सीटें लेके आएंगे उत्तर प्रदेश। कुछ नहीं आने का गठबंधन, बस वो ही पूरी कर लियो अपनी बीजेपी सरकार। वो भी पूरी नहीं होगी। सो पूरी करके दिखा दियो ना। नो तो कही कर रख रहे 400 का दावा ठोक रहे हैं। नो तो मायावती भी कह रही है वो नहीं दावा ठोक रही है। बता ठोक नहीं रही क्या? जब सारे 400 के दावे ठोक करेंगे 1200 का हाथ लावेंगे। और सीट तो 400 ही है। हाँ और सारे 400 का दावा ठोक रहे उधर मिलेगी नहीं मिलेगी गठबंधन काम आ जाए क्या पता? नहीं नहीं गठबंधन में कोई काम नहीं आता। काम नहीं आएगा ना? ना उन्हें नहीं दिखता गठबंधन वालों को नहीं दिखता। उन्हें भी बुरके उड़ने पड़ेंगे। बुरके उड़ने पड़ेंगे? और क्यों बुरके क्यों उड़ने? बनवा दें मुलायम की सरकार अगर बुरके ना उड़े तो जब गई है। पहले उड़े? हाँ पहले उड़ने की वो आ गई थी बीजेपी आ गई थी बच की जान। यानी लुगाई बुरके में होते हैं लोग टोपी में होते हैं। हाँ कहाँ पहले सरकार रही तो है। बुरा हाल रहा बुरा हाल था। चोरी डकैती हुई बुरा हाल रहा। बुरा हाल था थोड़ा बुरा हाल था क्या? रात को नहीं चले रात को चलने था पहले लूट लेते थे। और क्या ज्यादा नु बताओ रोज लूटते थे। अब घर पिटने रह रहे थे बस रास्ते में पिटी रहे थे बस घर आके और पिटने थे बस बस। हाँ इबका बनवाया दिए इबका पिट जाएंगे। बोल रहे हैं दोबारा सरकार बनाएंगे। अजय बोल रहे तो बोल ले तो काम चलक रहे क्या? नू तो मैं भी कह दूंगा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा पता बन जाऊंगा। तीन टाइम कहूँ मैं काम में बैठ के अगर मेरे बोल ले तो बनता हो तो फिर तो सभी नहीं बन जाएंगे। वो बोल रहे हैं जो भी भाजपा भाजपा कर रही है ना और गाली गलौज कर रही है और जितने भी कार्यकर्ता भाजपा में हैं जो उनके साथ ये गाली गलौज कर रही है उनकी लिस्ट बनाई हुई है जी, जब जी, हमारी सरकार बनेगी इंटरेस्ट सहित वापस देंगे। अब देख लो अब तो हम नहीं दे देंगे फिर बीजेपी वाले हम का मेहनत है आप भी वापस दोगे? हमने नहीं वो तो हम देते नहीं अगर मैं देंगे तो हम भी देंगे। अगर सरकार उनकी आ गई फिर कैसे दोगे? सरकार उनकी आती नहीं है। सरकार नहीं तू जीतते पीछे भी आजिए एक बार आने की नहीं सरकार बता वे तो जीतते पीछे मंदिर की तरफ कसम खा ले मारे आऊंगी मैं आज बाद में आऊंगी जब हाँ यही यही बता देंगे हम तुम्हें। क्या बताओगे? हाँ किसकी सरकार बनेगी? हाँ जी हमारी सरकार में तो ये भी सेफ है पूरा कॉन्फिडेंस है सरकार आएगी बीजेपी। हाँ जी सरकार आएगी बीजेपी की। क्या नाम है जी आपका? आनंद सिंह। आनंद सिंह आपको कैसी लगी सरकार? सरकार बहुत अच्छी सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम सुधर गई। जैसे पहले 2013 में कवाल कांड होया उसमें एक ही धर्म के खिलाफ सारी कार्रवाई करी गई सरकार की उसको देखते हुए इस सरकार में एक भी दंगा नहीं है 5 साल में। और हर एक ही मतलब किसी भी तरीके की देख लो सभी कानून व्यवस्था ठीक है। सड़कों का निर्माण हुआ सड़क जो ऐसी टूटी पड़ी थी वे सारी सड़क कई सड़कें ऐसी थी जिस गांव में मान लो जो लिंक मार्ग थे वे भी टूटे हुए पड़े थे खस्ता हाल थे उनके वे भी आज ठीक हैं। आराम से किसान भी या कोई व्यापारी भी आराम से जा सकता है किसी का कोई डर नहीं भय नहीं। भय नहीं है ना? पहले भय था। पहले भय था। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भारत। भगत? भारत। भारत नाम है आपका? जी जी। आप किसकी वोट करने वाले हैं? भाजपा को। भाजपा को जी। आपको भी भाजपा बढ़िया लग रही है? अच्छी लग रही है जी क्योंकि मजदूर किसान इनमें सब खुशहाल है। मजदूर किसान इसमें सभी खुशहाल है। मजदूर भी बोल रहे हैं किसान भी बोल रहे हैं। बोल रहे आम आदमी परेशान है और किसान भी परेशान है। आप बोल रहे मजदूर किसान खुश है? खुश है इसमें ये भाजपा सरकार जो है ये अच्छी है आनी चाहिए। आनी चाहिए जी जी। अगर नहीं आती फिर क्या करेंगे? फिर क्या करोगे? हम तो इसी में रहेंगे जी भाजपा सरकार। आप इसी में रहोगे? जी जी। इसी को चाहते हो? इसी को चाहते हैं जी। अगर अखिलेश सरकार आ जाती है दोबारा फिर क्या माहौल होगा उत्तर प्रदेश में? माहौल तो भाजपा सरकार बनाओगी जी। मारे तो होगा माहौल तो हम करेंगे माहौल सही। आप भाजपा की तरफ जाओगे? भाजपा की तरफ।
क्या नाम है जी आपका? दीपक राणा। दीपक राणा, दीपक राणा को कैसी लगी सरकार? बढ़िया सरकार। युवाओं के लिए कैसी रही? युवाओं के लिए अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। अच्छी रही? बोल रहे युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बोल रहे अच्छी रही। मैम क्यों नहीं मिला, सबको मिला रोजगार, बताओ किसे नहीं मिला? मिला है, वैसे ही बोल रहे रोजगार नहीं दे पाई। नहीं रोजगार है कि नहीं है, कहाँ नहीं है रोजगार ये बताओ। रोजगार अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार में, डर नहीं है कुछ, डर नहीं है कुछ, पर डर हो बंदे को फिर तो लगे भी, कोई डर नहीं है, कहीं घूमो कहीं फिरो, यहाँ तो खेती आदमी है, खेत में जाएंगे बस।